स्वागत है नया इंडिया टीवी के आज प्रोग्राम के पार्ट दो में। इसमें पर्दे के पीछे की बातों, राजनीति को बताने वाली गपशप है तो हल्ला प्राप्त मुद्दे का, मसले का खुलासा भी। सो सुने और पाएं बेबाक बेधड़क जानकारी, वह सोचे कि क्या सही है और क्या गलत। पहले जाने सुने आज की गपशप। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नया सिरदर्द खड़ा हो गया। एक के बाद एक शहरों, कस्बों और यहां तक कि गांवों में लोग अपने आप भाजपा के नेताओं का विरोध करने लगे। इस साल अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई और अब पश्चिम से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक कई इलाकों में लोगों ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। इलाहाबाद के शिवकुटी मोहल्ले में इस साल अप्रैल में इस तरह के बोर्ड लगे हैं जिस पर लिखा है कि इस मोहल्ले में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं का आना मना है क्योंकि यहाँ महिलाएं और बच्चे रहते हैं। यूपी दिल्ली सीमा पर किसानों पर लाठी चलाए जाने के बाद उसके बाद अमरोहा में कई गाँव में किसानों ने बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा है बीजेपी वालों का इस गाँव में आना सख्त मना, अपने जान माल की रक्षा स्वयं करें। जिले के संसारपुर, सलारपुर, गालीपुर बड़ा, छज्जूपुरा, हाफिजपुर आदि गांव में इस किस्म के बोर्ड लगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों जैसे संभल, बिजनौर, मुरादाबाद भी यह विरोध पहुंच गया। आजमगढ़ के कई गांव में इस तरह के बोर्ड दिखे। बहराइच, कन्नौज, उन्नाव में भी गांव कस्बों में भाजपा विरोधी बोर्ड लगे। भाजपा के स्थानीय नेता पहले अपने स्तर से इससे निपटने के प्रयास में लगे रहे लेकिन अब उन्होंने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को इस मामले को सुलझाने के काम में लगाया है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव और राज प्रताप सिंह और राजा भैया का सहारा मिलने की उम्मीद है। दोनों ने अपनी पार्टी बनाने की घोषणा की। रघुराज प्रताप सिंह का असर मुख्य रूप से ठाकुर मतदाताओं पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर हैं, पर इसके बावजूद भाजपा को लग रहा है कि अगर राजा भैया पार्टी बनाकर उम्मीदवार उतारेंगे तो भाजपा को वोट का नुकसान होगा, इसलिए पार्टी ने शिवपाल की तरह उनको भी पटाने का दाव चला है। राज्य सरकार ने शिवपाल यादव की तरह राजा भैया को भी बड़ा बंगला दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिस बंगले में रहते थे वो निर्दलीय विधायक राजा भैया को आवंटित किया गया। इससे पहले राज्य सरकार ने मायावती का खाली किया हुआ बंगला शिवपाल यादव को आवंटित किया। माना जा रहा है कि इन दोनों का चुनावी इस्तेमाल भाजपा करेगी। हो सकता है कि पार्टी सीधे इन लोगों के साथ तालमेल करे और एक एक या दो दो सीट छोड़े। यह भी संभव है कि एकाध सीटों पर एडजस्टमेंट के बाद उनको यह कहा जाए कि वे ऐसे उम्मीदवार उतारें जिससे संभावित महागठबंधन के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचे। जो हो, भाजपा उत्तर प्रदेश में बहुत बारीक प्रबंधन में जुटी है। असम गण परिषद ने भाजपा को झटका दिया। भाजपा ने पिछले हफ्ते कहा था कि स्थानीय निकायों का चुनाव वो अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर लड़ेगी, पर इसके तुरंत बाद अगप ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। यह भी कहा जा रहा है कि असम गण परिषद लोकसभा का चुनाव भी अकेले लड़ने की घोषणा कर सकती है। अगर लोकसभा में गठबंधन टूटा तो भाजपा को बड़ा नुकसान होगा। पूर्वोत्तर में भाजपा की एक और सहयोगी त्रिपुरा की इंडिजिनस पीपुल्स पार्टी ने राज्य की दो लोकसभा सीटों पर लड़ने की घोषणा कर दी। इस बीच केरल में भाजपा की सहयोगी सीके जानू ने अलग होने का फैसला किया। सीके जानू की पार्टी जीआरएस ने करीब ढाई साल पहले भाजपा के साथ तालमेल किया था और एनडीए में शामिल हुई थी। केरल में भाजपा की दूसरी सहयोगी एसएनडीपी है, पर उसके साथ भी संबंध अभी अच्छे नहीं है। बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भाजपा के संबंध अपने सहयोगी पार्टियों से बिगड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं सोचे सोचना जरूरी है। अब है खुलासा। ताजा सुर्खियों में और बहस में जिस बात ने आपको भड़काया है या कंफ्यूज किया है उसका मतलब क्या है और ओढ़ छोर क्या, इसे समझने के लिए अब देखें आज का खुलासा। नरेंद्र मोदी की सरकार में इस्तीफा नहीं होता है, एमजे अकबर के मामले में फिर ये बात साबित हुई है। पहले कई मौकों पर इस सिद्धांत की परीक्षा हो चुकी है। ये अपने आप में एक राजनीतिक सिद्धांत विकसित हुआ है कि आरोप लगने पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे आरोपों को बल मिलता है। इस्तीफा नहीं देने पर आरोप अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं, जैसे व्यापम में हो गए, ललित मोदी मामले में हो गए या दूसरे अनगिनत मामलों में हो गए। नरेंद्र मोदी के राज में ये जो सिद्धांत विकसित हुआ है उसका दूसरा पहलू ये है कि जब भी कोई आरोप लगे तो उसे विपक्ष की साजिश बता दिया जाए। तो एमजे अकबर ने अपने खिलाफ एक दर्जन महिलाओं की ओर से लगाए गए आरोप को राजनीतिक साजिश करार दे दिया। हालांकि ये समझना मुश्किल है कि कोई अकबर के खिलाफ क्यों साजिश करेगा। उनकी हैसियत सरकार में एक प्यादे से ज्यादा की नहीं है जिसकी कुर्बानी देकर राजा और वजीर को बचाया जा सकता है। ये मीटू के स्वाभाविक रूप से शुरू हुए अभियान का हिस्सा है जो उनके साथ काम करने वाली महिलाओं ने उन पर आरोप लगाए हैं। इस मामले में अकबर की कानूनी कार्रवाई की चेतावनी ने असर भी दिखाया है और आरोप लगाने वाली 12 महिलाओं में से सिर्फ 5 ने कहा है कि वो इसके लिए तैयार है।
सवाल है कि अगर किसी ने मीटू अभियान के बहाने केंद्र सरकार के खिलाफ साजिश रची तो उसने अकबर को क्यों चुना और इतनी लचर साजिश क्यों रची। सबसे पहला सवाल तो यह है कि अकबर को क्यों चुना। अकबर की हैसियत सरकार में ऐसी नहीं है कि उन पर आरोप लगाने की साजिश रचकर किसी ने सोचा हो कि इससे सरकार बदनाम हो जाएगी। साजिश रचनी होती या झूठे आरोप लगाने होते तो किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जाता जिसकी सरकार में हैसियत हो और कुछ ऐसे आरोप लगाए जाते जिसमें कानूनी तौर पर आरोपी को जेल भेजने और सजा का प्रावधान। ध्यान रहे, अकबर के खिलाफ उनके साथ काम करने वाली महिलाओं ने बहुत छोटे छोटे आरोप लगाए हैं। सारे आरोप 20 से 25 साल पुराने हैं जिनमें सबूत खोजना और साबित करना मुश्किल। साजिश के लिए अकबर को चुनने पर इसलिए भी सवाल है क्योंकि भाजपा चाहती तो इसका फायदा उठा सकती थी। वैसे ही भाजपा और संघ में एक समूह ऐसा है जो अकबर को मंत्री बनाने से नाराज है। अकबर को हटाकर उनकी नाराजगी भी दूर की जा सकती थी और मोदी की महिला अधिकारों का चैंपियन होने की छवि भी मजबूत की जा सकती थी। पर इस्तीफा नहीं कराने की जिद में इसे भी साजिश बताया जा रहा है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद केंद्र सरकार से लेकर कई राज्य सरकारों पर कितने तरह के आरोप लगे, लेकिन किसी भी आरोप की गंभीरता से जांच करने की बजाय हर बार ये कहा गया कि सरकार के खिलाफ साजिश हो रही है। हर बार विपक्ष को साजिश के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जैसे राफेल विमान सौदे पर उठ रहे सवालों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। भाजपा के नेताओं और सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ कर रही है। जब फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के हवाले से खबर आई कि भारत सरकार ने अनिल अंबानी की कंपनी को ऑफसेट पार्टनर बनाने के लिए कहा था, तब कांग्रेस पर अंतर्राष्ट्रीय साजिश रचने के आरोप लगे। राफेल सौदे को लेकर कई महीनों से लग रहे आरोपों की किसी किस्म की जांच की पहल सरकार ने नहीं की है, उल्टे इसे विपक्ष की साजिश करार देकर मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया है। सोशल मीडिया में भी अपने समर्थकों के सहारे यही प्रचार हुआ है कि ये सब साजिश है। असल में भाजपा ने ये सोच लिया है कि इस्तीफा कराने से आरोप मजबूत होते हैं और उसके बाद मामला ज्यादा मजबूत होता है, जैसा कांग्रेस के राज में हुआ। अशोक चव्हाण, पवन बंसल, अश्विनी कुमार, ए राजा आदि के इस्तीफे से या मधु कोड़ा, सुरेश कलमाड़ी, इन सब के खिलाफ कार्रवाई से भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पर ज्यादा चिपके, इसका ज्यादा प्रचार हुआ। तभी भाजपा ने तय किया कि किसी भी आरोप में इस्तीफा नहीं होगा और उसे विपक्ष की साजिश बताकर रफा दफा किया जाएगा। व्यापम मामले में ऐसा ही हुआ तो ललित मोदी मामले में भी ऐसा ही हुआ। चावल घोटाले की चर्चा भी ऐसे ही खत्म होने दी गई तो जीएसपीसी के मामले को भी ऐसे ही खत्म होने दिया गया। भाजपा ने सबको विपक्ष की साजिश बताया। सिर्फ घोटालों को ही विपक्ष की साजिश नहीं बताया जा रहा है, बल्कि किसान, छात्र, दलित, महिला, हर आंदोलन को भी विपक्ष की साजिश बताया जा रहा है। यूट्यूब पर नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वहाँ जो घंटी बनी हुई है उसे दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।